नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आज जिला कांग्रेस कमेटी करनाल की तरफ से आप देख पा रहे हैं कि आज दो तीन घंटे का यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि त्रिलोचन सिंह हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि लूट लिया हमारा भारत लूट लिया। किसने किसको लूटा वो त्रिलोचन सिंह ही बताएंगे। सर, किसने किसको लूट लिया और कौन नुकसान में कौन फायदे में? देखो, आदरणीय ब्रदर को मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के वो मित्र हैं, बड़े समय से हम पहले रोड़ा उठा रहे हैं, अडानी अंबानी देश को लूट रहे हैं। अडानी को बिना सोचे समझे LIC ने और SBI ने हजारों करोड़ रुपया जो हमारे गरीब आदमियों का था, हिंदुस्तान के लोगों का था, बिना गारंटी के, बिना सोचे समझे, बिना वैल्यू लगाए हुए वो दे दिया गया और रातों रात शेयर गिर गए। अरबों रुपया हिंदुस्तान का खत्म हो गया, जिससे देश टूटने के कगार पर हो गया। इसलिए आज का जो मुद्दा था AICC का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, लूट लिया। आप लोग SBI और LIC पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी लूट लिया। हाँ, LIC SBI ने हमारे को लूट लिया, आम जनमानस को लूट लिया, उनका पैसा लूट के और उनको दे दिया बिना सोचे समझे, जबकि उनकी कोई मध्यस्थता नहीं की गई, उनसे कोई पूछा नहीं गया, उनसे कोई बात नहीं की गई, गारंटी नहीं ले गई और करोड़ों रुपया दे दिया। एक गरीब आदमी को 10,000 रुपये लेने के लिए उसकी गारंटी मांगी जाती है और अरबों रुपया दे दिया, खरबों रुपया दे दिया, कोई गारंटी नहीं लेगी, जिससे हमारा देश टूटने के कगार पर है। टूटने के कगार पर है, ये कहना है सरदार त्रिलोचन सिंह का। और पूर्व स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा। प्रदेश का ताना बाना बिखर चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से आज जनता परेशान है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शन से। और हम करनाल में एक हाथ जोड़ो माफ़ी जोड़ दे दो यात्रा निकालेंगे। हाथ जोड़ेंगे इसलिए, मुख्यमंत्री जी आपने 10 साल हमारा समय इस करनाल का जो आपने दिया, आपको दिया करनाल के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, आपने उसको वेस्ट कर दिया। ही हैज़ वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और माफ़ी इसलिए मांगेंगे कि आप हमें माफ़ कर लो, कहीं और चले जाओ, हमारे को अपने। कब निकाली जाएगी सर ये यात्रा? जल्दी करेंगे, आपको बता के निकालेंगे ना। ऐसे सर, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा था? अमित शाह पहुँच रहे आ रहे हैं। अमित शाह गोहाना भी आए थे, आए नहीं थे सर। कैसे बस देख लो, वहाँ जैसे वहाँ आए थे वैसे यहाँ आएंगे। सर, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा था? तो हो चुकी है बात। आज के प्रदर्शन में जो LIC में और SBI में अडानी ने जो लूट हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग एकत्रित हुए हैं। सर, यहाँ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर भाषण देकर, आपको लगता है कि सरकार जागेगी या फिर आप लोग क्या करेंगे आने वाले समय में? देखिए, लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन हमारा अधिकार है। जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, जब संसद में सांसद ना बोल सकें, सड़कों पर हम बोलेंगे, और ये आवाज़ उठाने का अधिकार है हमारा, इसमें क्या बात है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और कह रहे हैं कि आवाज़ उठाने का अधिकार है। और पूर्व विधायक हैं सुमिता सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आने वाले समय में कांग्रेस करने वाली है। आप भी 10 साल विधायक रहे, क्या कुछ कहना है? ऐसे है, लोगों के गांव से वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। इसका मतलब सरकार जो है चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर विश्वास नहीं करती है, वो सोचती है कि ये सब चोर है। क्योंकि अब खुद देखो, वो इतने बड़े चोर है सरकार, कैसे अडानी को सारे पोर्ट के ठेके, सारे हवाई अड्डों के ठेके, सब कुछ एक आदमी को दे दिया जो कि गुजरात से है। पर जो हमारे जो छोटे ये जो हमारे सरपंच हैं, उनको वो सोचते हैं कि ये सब पैसे खा जाएंगे, वो जो छोटे छोटे पैसे गांव के सरपंच अपने लेवल पे जो गांव में लगाते हैं, ये गलत है जो सरकार ने किया, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठे। हमने मांग की है कि या तो संसद के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे। अहम मुद्दा क्या था आज का? आप LIC और SBI का ये मुद्दा है कि उन्होंने इतने हजारों करोड़ रुपया अडानी को दिए हुए हैं, उसको लोन दिया हुआ है, और वो जो पैसे हैं उनसे वापस लेने चाहिए। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, जब धीरे धीरे ये होना शुरू हुआ तब कांग्रेस तो हमेशा आवाज उठा रही है कि अडानी और अंबानी की सरकार है, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा इसके ऊपर आवाज उठा रही थी। ये तो अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है
जो उनके जो काले चिट्ठे खुले हैं, जो इतने लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, तो उसके बाद भी कुछ सरकार नहीं कर रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई बड़ा बदलाव? भारत जोड़ो यात्रा से बहुत से नौजवान, जो यूथ, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो आज के दिन बेरोजगार है, छोटा व्यापारी है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, लोग परेशान है, दुखी है, और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी तरह की कोई और भी बड़ी यात्रा? अभी हमारा जो है हाथ से हाथ जोड़ो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आज सभी जो 36 वर्ग जो बिरादरी है, जो सभी वर्ग है, वो परेशान और दुखी है। उसमें भी कोई बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? उसमें तो हम सब स्वयं अपने आप ही लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। उसका क्या उद्देश्य रहेगा? उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जाकर जो ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसके जो कारनामे हैं, जो हरियाणा के अंदर जो खट्टर सरकार के कार्यालय किस प्रकार से जो गरीब लोगों का जो राशन कार्ड दिया गया है, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की कई लाख पेंशन कार्ड दी गई है, लोगों को जाके हम उसके बारे में बता रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है, उसमें कांग्रेस कह रहे हैं कि हम स्वयं देखने को मिलेंगे। मैडम, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिसके बारे में आज आप लोग बता रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस यात्रा में और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? देखिए, मैं कमल मान हूँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूँ, वैसे बाई क्वालिफिकेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये हाथ जोड़ो यात्रा जो है, पहले हमने जो गांधी राहुल गांधी जी के साथ गए थे, मैंने 105 किलोमीटर उनके साथ मेवात से स्टार्ट किया था और फिर करनाल तक हमने अपना ये पूरा किया। लेकिन हाथ जोड़ो यात्रा जो है, ये हम इसलिए जाना चाहते हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धियां थी और इस सरकार की क्या नाकामियां थी। इस सरकार ने सिर्फ झूठे वायदे किए, झूठ बोला, झूठे सपने दिखाए, काम करने के समय इन्होंने कुछ नहीं किया, और आज जो जनता है वो जाग चुकी है, वो समझ चुकी है। ये पहले से राहुल गांधी जी एक बात कहा करते थे, शुरू से कहते थे कि हमारा देश जो है चंद पूंजीपतियों के हाथों से बिक चुका है। अब देखिए, अब वही समय आज दिखाई दे रहा है जो वो कहते थे वो सच था, और आज जो है ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पूंजीपति हैं, इन्होंने हमारे देश के ऊपर पूर्ण रूप से हमारे, एक्चुअली तो मैं ये कहूँगी कि हमारे मोदी जी जो हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके हुक्म के ऊपर काम करते हैं, वो जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और इसलिए आज हमारा हम जो पब्लिक है जाग चुकी है। आज हम हाथ जोड़ो यात्रा के लिए के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, हर जाति के पास जा रहे हैं, और उनको सब दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और ये आज ये सरकार क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। एक्चुअली में तो दिखाया जाए जो हमने यहाँ पे कहा, देखिए इन्होंने जो LIC के अंदर जो यहाँ पे जो इन्होंने जो लोन दिए हैं, LIC ने, RBI ने जो इनको लोन दिए हैं, क्यों दिए हैं? और वो लोन इसलिए दिए हैं क्योंकि मोदी जी उनके, मैं तो क्या कहूँगी, उनके लिए काम करते हैं, ये कारण। कांग्रेस का यही कहना है कि जनता को लूट लिया गया है और लूटा गया है जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी का, आप इसमें नाम देख पा रहे होंगे, अडानी, SBI और LIC ने देश की जनता को लूट लिया, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है उसके बारे में कांग्रेस यहाँ पर बताती हुई नजर आ रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।